सेवन ईयर्स इन तिब्बत 25 साल पुरानी एक फिल्म है। फिल्म 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौर को दिखाती है। कहानी ऑस्ट्रियन माउंटेनियर हेनरिक हेरर की है, जिसे ब्रैड पिट ने निभाया है। माउंटेनियर हेनरिक को नंगा पर्वत वर्तमान में पाकिस्तान के शिखर पर नाजी ध्वज फहराने के लिए भेजा जाता है। मिशन नाकाम होता है और वापसी में उसे भारत में पकड़ लिया जाता है। देहरादून में प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप से कई कोशिशों के बाद वह भाग निकलता है। कच्चा मांस खाते डकैतों के चंगुल से बचते वह एक ऐसे देश में पहुंचता है जो दयालुपन और करुणा के सागर में डूबा हुआ है। इस नए देश में यहाँ के लोग धरती में मौजूद कीड़ों को भी नहीं मारते। बेहद शांत ये देश बुद्ध के ज्ञान पर भरोसा करता है, लेकिन ज्ञान समर्पण भाव और अध्यात्म से भरे इस देश को उसका पड़ोसी ही अपना निवाला बना बैठता है। और यह सब होता है अब दलाई लामा के दोस्त बन चुके हेनरिक हेरर की आंखों के सामने। 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है, मठों को तबाह कर दिया जाता है और शांति दया का हर पाठ धरा का धरा रह जाता है। आज ये देश सिर्फ एक झंडे की पहचान तक सीमित है। परवतन से बेवतन हो चुके लाखों शरणार्थियों की कहानी असीमित है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एडिटर जी हिंदी की विशेष पेशकश झरोखा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। तेरहवें दलाई लामा ने 1913 में तिब्बत के संदर्भ में कहा था कि हम एक छोटे धार्मिक और स्वतंत्र राष्ट्र हैं, लेकिन 40 साल बाद चीन ने न तो इन शब्दों का कोई मोल रखा और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान की सीमा से लगती हैं। हालांकि ये अब गुजरे दौर की बात है। आप कह सकते हैं कि 1960 के दौर से पहले ऐसा ही था, जब तक चीन ने इस पर कब्जा नहीं किया था। तिब्बत के 3 मूल प्रांत युत्सांग, खाम और एमदो हैं। इन क्षेत्रों के सभी लोग खुद को तिब्बती मानते हैं, हालांकि सभी की अपनी एक पहचान और अलग बोली है। वैसा ही जैसे भारत में ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों की। चीन के कब्जे में आने के बाद तिब्बत के प्रांतों को अजीब तरीके से बाँट दिया गया, उन्हें नया नाम दिया गया और चीनी प्रांतों में शामिल कर लिया गया। जब चीन तिब्बत का रेफरेंस देता है तो इसका मतलब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TAR कहते हैं। इसमें केवल युत्सांग और खाम का हिस्सा शामिल है, बाकी खाम को सिचुआन और यूनान चीनी प्रांतों में बांट दिया गया। एमदो को गांसू, सिचुआन और किंघई प्रांतों में बांटा गया। तिब्बत जब अस्तित्व में था तब भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश था। एक राष्ट्र के रूप में तिब्बत का समृद्ध इतिहास रहा है। ये सदियों से चीन के साथ साथ मौजूद है। 800 सालों से भी ज़्यादा वक्त तक उसका अपना भूगोल, इतिहास और राजशाही रही है। 1950 में नए चीनी कम्युनिस्ट शासन ने फैसला लिया कि तिब्बत को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बनाया जाए, और इसके बाद देश पर हमले शुरू कर दिए गए। 1 जनवरी 1950 को पहली बार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बती क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा किया। इसके बाद PRC और तिब्बती क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भारत के कालिमपोंग में बातचीत की। बातचीत की ये प्रक्रिया 7 मार्च 1950 को शुरू हुई। ये वह वक्त था जब दुनिया कोरिया की घटनाओं में व्यस्त थी और चीनी कम्युनिस्ट शासन महीनों से तिब्बत को साथ मिलाने के अपने इरादे की घोषणा कर रहा था। चीनी सरकार ने मांग की कि तिब्बत के प्रतिनिधि 16 सितंबर 1950 तक बीजिंग पहुंच जाएं, लेकिन तिब्बती अधिकारियों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर क्या था, 7 अक्टूबर 1950 को PRC सैनिकों ने तिब्बती क्षेत्र में प्रवेश किया और 19 अक्टूबर 1950 को चामडो शहर पर कब्जा कर लिया। तिब्बती अधिकारियों ने भारत से सैन्य मदद भी मांगी। 11 नवंबर 1950 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गए। 18 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तिब्बती क्षेत्र पर चीनी हमले की निंदा की, लेकिन सिर्फ निंदा से चीन कहाँ पीछे हटने वाला था। 19 दिसंबर 1950 को दलाई लामा ने ल्हासा छोड़ दिया और तिब्बत भारत सीमा पर स्थित यादोंग शहर आ गए।
23 मई 1951 को बीजिंग में चीनी और तिब्बती प्रतिनिधियों ने तिब्बत में शांतिपूर्ण हालात कायम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गनीमत ये थी कि इसमें दलाई लामा को तिब्बत के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया था। तिब्बत पर कब्जा करने से चीन को उसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मिल गई और भारत के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा पर वह सैनिकों की तैनाती भी कर सका। 40,000 चीनी सैनिकों ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तब तिब्बत के राजनीतिक सिस्टम और तिब्बती बौद्ध धर्म को संरक्षित रखने के एवज में उसे चीन का शासन स्वीकार करना पड़ा। इस समझौते के बाद 17 अगस्त 1951 को दलाई लामा ल्हासा लौट आए, लेकिन जो तिब्बती सालों से आज़ाद थे उन्हें चीन की सख्ती और शासन रास नहीं आया। मई 1956 में तिब्बतियों ने पूर्वी तिब्बत में पीआरसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 21 जुलाई 1956 से कमदो क्षेत्र में नया विद्रोह शुरू हो गया। किमई गोंगवो ने पीआरसी सरकार के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। इसी बीच नवंबर 1956 से फरवरी 1957 तक दलाई लामा ने भारत की आधिकारिक यात्रा भी की। अमेरिकी सरकार ने दिसंबर 1956 से तिब्बती विद्रोहियों को सैन्य सहायता, जिसमें हथियार, गोला बारूद और ट्रेनिंग भी शामिल थी, देनी शुरू कर दी। इसी बीच खम्बा आदिवासियों ने भी अगस्त 1958 में पूर्वी तिब्बत में चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तिब्बतियों ने 10 मार्च 1959 को ल्हासा में पीआरसी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। विद्रोह बढ़ता देख दलाई लामा 17 मार्च 1959 को फिर ल्हासा से चले गए। 19 मार्च 1959 को तिब्बती विद्रोहियों ने चीनी सरकार के अधिकारियों पर हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने 20 मार्च 1959 को तिब्बतियों पर हमला बोल दिया। चीनी सैनिकों ने 25 मार्च 1959 को ल्हासा पर कब्जा कर लिया। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि लगभग 2000 तिब्बती विद्रोही मारे गए। चीनी सरकार ने 28 मार्च 1959 को दलाई लामा के नेतृत्व वाली तिब्बती सरकार को भंग कर दिया और पंचेन लामा ने 5 अप्रैल 1959 को तिब्बती सरकार का नियंत्रण ले लिया। 30 मार्च 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बती विद्रोहियों के लिए समर्थन जताया। लेकिन इसके बाद तारीख आई 31 मार्च 1959 की, जब दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ शरण के लिए भारत में पहुंचे। लगभग 87,000 तिब्बती और 2,000 चीनी सैनिक इसमें मारे गए। संघर्ष के दौरान लगभग 1,00,000 तिब्बती शरणार्थी बनकर भारत, नेपाल और भूटान भी पहुंचे। पीआरसी ने तिब्बत में मठों पर ताले जड़ दिए। इस क्षेत्र में चीनी कानून और प्रथा को लागू कर दिया गया। तिब्बत के 6,000 धार्मिक मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों में से 99% से ज़्यादा को लूट लिया गया या फिर नष्ट कर दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों हजारों पवित्र बौद्ध ग्रंथ नष्ट हो गए।